सरकार द्वारा आयुष और आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिल गई है। अनुमति मिलने के बाद नीमा सरकार का धन्यवाद करने के लिए आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंची है। हालांकि उस समय करनाल के उपायुक्त करनाल में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में करनाल के SDM को उन्होंने अपना धन्यवाद पत्र सौंपा। पत्रकारों के साथ बातचीत में रूबरू होते हुए नीमा के सदस्यों ने कहा कि वह भी दूसरे डॉक्टर्स की तरह समकक्ष हैं। सरकार द्वारा उन्हें जो 58 तरह की सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार के इस कदम के बाद गरीब और देहात में रहने वाले मरीजों को बेहतर लाभ मिलेगा। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो भ्रम पैदा किए जा रहे हैं वह उचित नहीं है। आयुष और आयुर्वेद के डॉक्टर भी उतने ही कारगर और कुशल हैं जितने कि अन्य डॉक्टर होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए जा रहे इलाज पर किसी भी तरह का संदेह व प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुष और आयुर्वेद के चिकित्सक प्राचीन काल से ही मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। इसलिए IMA के द्वारा जो विरोध जताया जा रहा है वह सरासर गलत है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के जिला सचिवालय में, जहां पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के बहुत से सदस्य यहां पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा आखिर किस लिए वो यहां पर आज एकत्रित हुए हैं, उनके उद्देश्य क्या है। सर, हाँ, आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर जितेंद्र कालिया, नीमा करनाल, और मैं यहाँ, हम लोग जो भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, हमारा यहाँ इकट्ठे होने का जो मेन संदर्भ है वो है हरियाणा सरकार, भारत सरकार का अत्यंत धन्यवाद कि उन्होंने जो पहचान हमारे पास थी उस पहचान को पक्का किया है कि हाँ, ये लोग इस चीज़ के काबिल हैं और ये इस व्यवस्था के अंदर फिट हैं। ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन ऑन पेपर्स और कुछ लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करते थे कि ये एलिजिबल हैं कि नहीं है, लेकिन सरकार ने यह कानून बना करके, नोटिफिकेशन करके, इससे हमारी जो पढ़ाई हमने की थी, जिस पैथी में हम लोग पारंगत थे, जिसमें हमारे कुछ सर्जन जैसे करनाल के अंदर डॉक्टर संजय अरोड़ा ऑलरेडी कई दिनों ये खड़े हैं मेरे साथ, AI स्पेशलिस्ट हैं, MSI हैं, लेकिन कुछ लोग इनके काम के ऊपर आक्षेप या कुछ चीज़ें आती थी पुराने टाइम में, लेकिन अब ये इनके मन में ये बात आ गई कि मैं इसके लिए हर तरह से समाज के अंदर जो ये एक हीन भावना लोगों के अंदर डाली जा रही थी कुछ हमारे और डॉक्टर भाइयों के द्वारा, हम लोग यहाँ किसी संस्था के या किसी अव्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक शायद हमारे मन में वही अंग्रेजी उपनिवेशवादिकता की थोड़ी सी रह रही है सब में, तो उसके कारण हम समझते हैं कि जो अंग्रेजी या अंग्रेजी समाज ने जो हमारे ऊपर, हमारे आयुर्वेद को पीछे करने के लिए अपनी पैथी को प्रोपेगेट किया, उस कारण से आज भारतीय सरकार, क्योंकि राष्ट्रवाद, भारतीयता हम लोगों में जागृत हो रही है, उसको जागृत किया है, और हम इसके लिए भारत सरकार का असीम धन्यवाद और मन से धन्यवाद दिए हैं कि उन्होंने आज हमें हमारी पहचान दोबारा वापस करके दी है। और आयुर्वेद को जो मोदी जी ने ये दूड़ा उठाया है कि आयुर्वेद और योगा को संसार में सर्वोच्च लेके जाना है, उसमें यह सबसे बड़ा पहला कदम है। मैं नीमा प्रेजिडेंट डॉक्टर दीनानाथ करनाल से, पूरी करनाल की डिस्ट्रिक्ट नीमा को रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं ये पब्लिक को ये एज ए नीमा प्रेजिडेंट और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी ये बताना चाहूँगा कि जो ये भारत सरकार ने हमें ये सर्जरी अलाउ की है, ये बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी उसके बाद ही है। सब कितनी तरह की सर्जरी आपको अलाउड की है? 58 तरह की सर्जरी की है। मैं बताना वही बता रहा हूँ आपको, हम जो BMS का कोर्स करते हैं वो 5.5 साल का है, और ये सर्जरी भी जो अलाउ की है उसके 5.5 साल कोर्स करने के बाद जो बच्चे BMS करने के बाद PG करेंगे, MD करेंगे, MS करेंगे, उसके बाद ही अलाउड है। तो जो ये IMA वाले कह रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी या कोई ऐसा, हम उसके बाद हमें अलाउ किया है, और ये बड़े गलत शब्द हमारे लिए यूज़ करते हैं, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। जो हमें अलाउ किया गया है वो हमारी स्टडी और जो 5.5 साल कोर्स करने के बाद, फिर दोबारा से 3 साल कोर्स करने के बाद, कितने सालों के बाद आपको अपनी पहचान लग रहा है कि आपको पहचान मिली? ये हमारे साथ ऐसा है, जो डॉक्टर संजय हैं वो बताएंगे। MS किया है 1999 में, तो ये कोर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन का, मास्टर ऑफ सर्जरी का चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। और ये कोर्सेज के अलावा सर्जरीज हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो सर्जरी है ये सारी दुनिया जानती है कि इसकी शुरुआत इंडिया में हुई। ये ऑन पेपर है,
ये मैं हम वैसे बात नहीं कह रहे। अमेरिका के अंदर सुश्रुत जी की प्रतिमा लगाई गई है और कोई भी सर्जरी की बुक खोलते हैं तो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को सुश्रुत ही माना जाता है। और इसके बाद आधुनिक समाज में जब प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हुई, एक उदाहरण है, टीपू सुल्तान ने एक किसी की नाक काट दी अंग्रेज़ की सजा के तौर पे, तो वो आदमी उस समय प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसी वैद्य के पास गया, उन्होंने उसकी नाक को सिर से माथे से लेके मांस लेके नाक पे लगाया। इस बात से जब वो नाक उसकी दोबारी तैयार हुई, जब वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में उसने बताया कि भी ऐसे मेरी किसी वैद्य ने इंडिया के अंदर मेरी नाक बनाई, तब जाके वहाँ पे लोगों को समझ आई कि अच्छा ऐसा भी प्लास्टिक सर्जरी यहाँ से उठा के पॉसिबल है। दूसरा इसी तरह मोतियाबिंद का इलाज, ये ऑन बुक्स रिकॉर्ड है ड्यूक एल्डर की बुक्स के अंदर, जो कि विश्व की प्रथम बेस्ट बुक मानी जाती है ऑफ्थेल्मोलॉजी की, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ अगर हम कैटरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि कैटरेक्ट सर्जरी की शुरुआत इंडियंस ने की। सर आज आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, किससे मिलने हैं? हम इस मकसद से आए हैं डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव लाने के लिए आए हैं कि आल दो ये सर्जरी शुरुआत लिखित परमिशन पहले से ही थी, पर उन्होंने जो अब री एनफोर्स किया है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देने आए हैं। और हम अपने सभी अपने जो है ये प्रधानमंत्री ने देश हित में ही ये फैसला लिया है, जो आईएमए वाले डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर रूरल एरिया में नहीं, नहीं जाते सर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गौड़, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा नीमा करनाल से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हमारी CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने, भारत सरकार ने हमारी नीमा के सेंटर नीमा के और स्टेट नीमा के अथक प्रयासों के बावजूद हमें 70 में से 58 सर्जरी की हमें विशेष परमिशन दी है। ये सरकार का, CCIM का, हमारी स्टेट नीमा का और सेंट्रल नीमा का बड़ा बड़ा धन्यवाद। इससे हर पब्लिक का भला होगा, आप लोगों का भला होगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट MS MD डॉक्टर अलग हों, अलग ज़्यादा आएंगे, वो आप लोगों का भला करेंगे, इससे पब्लिक। देखिए ये थे हमारे साथ नीमा के पदाधिकारी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि जिस तरह से सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनको 70 में से 58 सर्जरीज की परमिशन दी गई है, इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करने हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर एक उपायुक्त कार्यालय में पदाधिकारियों को, सरकार प्रशासन को एक धन्यवाद पत्र सौंपने आए हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.